कर दोस्तों, मिथ सीरियल का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए काफ़ी दिलचस्प देखने को मिलेगा, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से मिथ हुड्डा पूरी तरीका से मिथ अलावत को सही सलामत घर वापसी कराएंगे। लेकिन घर वापसी कैसे कराएंगे, इस पर पूरा सस्पेंस टिका हुआ है, क्योंकि मिथ हुड्डा ये तो समझ चुकी हैं कि आखिर कौन से हॉस्पिटल में है, क्योंकि बहुत ही चालाकी के साथ में उसने ये सब कुछ पता लगा लिया है। लेकिन आप लोगों के बीच में जल्द ही देखने को मिलेगा कि जहां पर मिथ हुड्डा पूरी तरीका से वार्निंग देती हुई भी नज़र आने वाली हैं अब काफ़ी लोगों को। जी हाँ, क्योंकि जहां पर मिथ हुड्डा के ऊपर सवाल उठ रहे थे कि उसी ने ही मिथ अलावत का किडनैप किया है, लेकिन सभी लोग अब जान भी पाएंगे कि किस तरीका से मिथ हुड्डा ने को ये फंसाने की साजिश हो रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं राज जानते थे मिथ अलावत के फादर की ये कांड की कोई और नहीं करेगा, बल्कि बर्फी देवी और बर्फी देवी की बेटी के अलावा कभी इस घर के बारे में कोई बुरा नहीं सोच सकता, क्योंकि इन दोनों ने ही बुरा सोचा है। और इस समय बर्फी देवी की बेटी नीलू को भी एक्सपोज होना पड़ेगा, क्योंकि नीलू की अगर बात की जाए तो नीलू इसलिए एक्सपोज हो रही है क्योंकि नीलू की करतूत अब सभी लोग जान चुके हैं कि नीलू अंदर से कितनी घटिया और कितनी वाहियात हरकत करती है। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जल्द ही नीलू का भी एक ऐसा पर्दाफाश होने जा रहा है इस घर में, जिसके बाद में नीलू इस घर में नहीं रहेगी, क्योंकि मिथ हुड्डा ने पहले ही बता दी थी। अब मिथ अलावत भी बताते हुए नजर आएंगे कि नीलू जो प्रेग्नेंट हैं वो किसी और लड़के के साथ में प्रेग्नेंट हुई हैं, जिसके बाद में मिथ हुड्डा और मिथ अलावत के इस गवाही के बाद में नीलू को और बर्फी देवी को इस घर से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिया जाएगा, क्योंकि इन दोनों ने जो इस घर में रहकर और इस घर के साथ में जो किया है वो वाकई में एक ऐसा घटिया गेम है कि जिसको कोई भी घरवाला बर्दाश्त नहीं करेगा और ना ही इनकी कोई साइड ले सकता, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि किसी भी तरीका से कोई खिलाफ नहीं जा सकता। मिथ अलावत ने पहले ही बोल दिया था इस चीज़ को कि जो मैं चाहूँगा वो मैं करूँगा, और इस समय सभी लोग बहुत ज़्यादा सस्पेंस में हैं कि आखिरकार होगा क्या। थैंक यू सो मच।